गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, क्योंकि मेरी वहाँ 2 दिन के लिए ड्यूटी है, एडमिन ड्यूटी। वहाँ पे ब्रिटिश ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी लोग जो है जिनकी लाइव्स बची है क्योंकि उनका एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इट कुड हैव बीन एनीथिंग, किडनी, कुछ भी, मतलब हार्ट फॉर दैट मैटर, तो जितने भी लोग हैं जिनको एक सेकेंड चांस एट लाइफ मिला है, वो लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, जस्ट टू बी थैंकफुल एंड जस्ट टू बी सोशली एंड फिजिकली एक्टिव। तो वो गेम्स जो है वो ऑल अक्रॉस कोवेंट्री हो रही है, तो जिसमें से मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्पॉट्स हैं जहाँ पे होएगी, बहुत सारे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे होएगी, और कोवेंट्री में और भी बहुत सारी जगह पे हो रही है। तो मेरी ड्यूटी लगी है और मैं जा रही हूँ, अर्चना मुझे छोड़ने जा रही है सुबह सुबह, इनकी भी ड्यूटी लगी है। तो अभी हमने कीचू को छोड़ दिया है नर्सरी, और हम यही बात कर रहे थे कि वो भी बहुत अच्छा टाइम था जब हम यूनिवर्सिटी में रहते थे, एकदम निकलते ही बाहर सीधा पहुँच जाते थे, और उस टाइम पे उस चीज़ की वैल्यू शायद थी उस टाइम पे भी, बट अब ज़्यादा वैल्यू होती है कि वो क्यूट सा एक क्वाइट सा नेबरहुड था और ये सब। चलो चलते हैं, और मैं थोड़े थोड़े शॉट्स लूँगी, बट वहाँ पे कैमरा आज ऐसे अलाउड नहीं है, आई हैव टू रजिस्टर। रूल्स हमें जो बताए गए कि कोई और भी कैमरा यूज़ कर रहा होगा, अगर उसने एक पर्टिकुलर कलरफुल बैंड नहीं पहना होगा तो यूज़ नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई जो अर्चना ने मुझे याद दिलाया, कि ऑर्गन जिन्होंने, जिन फैमिलीज ने डोनेट करे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि किसी के प्रॉब्ली बेटा वुड हैव डाइड इन एन एक्सीडेंट या कुछ, उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा, तो उन सब के ऑर्गन्स जो डोनेट हुए उनके फैमिली मेम्बर्स आएंगे और वो विटनेस करेंगे गेम्स, जस्ट टू रियलाइज कि उनकी वजह से एक पर्टिकुलर जान सेव हो सकी और वो आज दे आर थ्राइविंग एंड दे आर फिजिकली सो एक्टिव। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, और जब मैंने इसके बारे में सुना मुझे वैसे ही लगा कि यार दिस इज समथिंग यू शुड विटनेस। तो अर्चना, है ना, तो बस आज ये सब होने वाला है, और ये मुझे हो गया है सन की बदौलत, सन बर्न्स, बट होपफुली आज ड्यूटी जो है वो अंदर है, जिम के अंदर, स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर, तो नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ड्यूटी शुरू हो चुकी है, सेटअप कर दिया है टेनिस कोर्ट, और अभी ब्रेक मिली है थोड़ी देर की, तो बस बाहर हूँ और 5-10 मिनट बाद अंदर जाना है। चेहरा ख़राब हो चुका है एकदम। बहुत अच्छा था, अब पहली ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मैं लाइन जज थी वॉलीबॉल मैच में, तो आपको बताना होता है, खड़े होना होता है वहाँ पे, और 4 मैचेस हुए कि बाहर तो नहीं बॉल निकली है लाइन से, बट वो खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं। बट अच्छा मज़ा आया क्योंकि मैंने वॉलीबॉल खेली अपने स्कूल में, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था मैच देख के। और मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ और वहाँ पे, वहाँ से आपको हाई देते। आज यहाँ पे वॉरिक की ग्रेजुएशन सेरेमनीज भी चल रही है, तो बहुत ही लाइवली है। सबसे पहली बस भी यही पकड़ी थी अर्चना और मैंने, आज से 1.5 साल पहले। अभी मिलेंगे अर्चना किचू के नर्सरी के पास, हाँ कि फिर हम घर जाएंगे। आज है फ्राइडे और अब वीकेंड शुरू होता है। तो आज हम ऐसे निकल गए रैंडमली क्योंकि बाहर जाने का मन कर रहा था, और ऐसे हमने कोई रैंडम सी लोकेशन डाली है और जाके देखते हैं कि वहाँ क्या है। एबी पार्क करके एक जगह है, 8452 exit। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते थे ना वॉरिक वाली, तो और
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स उसका, जब दिव्या का कोर्स खत्म हो गया तब हमारी विक्रम मेघा और गौरव अभी से दोस्ती हुई थी, तब लेमिंगटन आना जाना शुरू हो गया था, तो इस रास्ते से आते थे। उसके बाद तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ फ्रेंड सर्कल बन गया तो इधर ही अच्छा इलाका लग रहा है, यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि लेमिंगटन बहुत प्यारी जगह है। स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है थोड़ा वो, बट फैमिलीज के लिए अच्छी जगह है। Good going. Okay, you can go inside the slide. That's the noise of slide. Daddy, what? Kichu, come. Where's Mama? What do I need? Good job. Hello, everyone. तो हम जा रहे हैं अभी लंदन के आसपास एक इलाके में, जहाँ पे है अर्जुन साउथ वॉल के। साउथ वॉल में? साउथ वॉल के आसपास की। साउथ वॉल तो थोड़ा उस साइड आई थिंक पीछे रह गया। सो एनीवे हम जा रहे हैं लंदन के आसपास किसी इलाके में, और आज है अर्जुना का शूट। एक बहुत ही ज़्यादा क्लासी गाना आने वाला है, इनफैक्ट बहुत सारे गाने आने वाले हैं, तो दिस वन इज़ आल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो वहाँ पे हम शूट करने जा रहे हैं, ज्योतिका है ऑलरेडी जिनके साथ अर्जुना का ये गाना आएगा, और चीचू महाराज भी जा रहे हैं, और पापा महाराज भी जा रहे हैं, और मामा महाराज भी जा रही हैं क्योंकि हेल्प वेल्प के लिए। सॉरी, मामा महारानी। एक्चुअली कभी महारानी फील किया नहीं, महाराज ही फील किया मुझे। और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बट होपफुली इनडोर शूट है तो सब मैनेज हो जाएगा। और व्लॉग्स हम बहुत दिन से नहीं डाल पाए हैं, बट मैंने अर्चना को कहा कि फिर भी शूट कर लेते हैं, जब भी आएंगे तो बताएंगे लोगों। उसमें रुक जाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और मेरा शूट बहुत देर तक चला, रात को 2-3 बजे फ्री हुए हम लोग। तो हम यहाँ आ गए थे, बड़ा प्यारा सा छोटा सा कमरा रूम है। आते ही ऐसे पड़े हैं कि रात को एक बार उठे थे, इसको भी दिखाना है डॉक्टर को, कान में दर्द हो रहा है इसको। तो अब बस चलते हैं, चेकआउट का टाइम। लेमिंगटन, हाँ, चेकआउट का टाइम हो चुका है। लेमिंगटन रूम तो काफी अच्छा था। तो हम हैं अभी साउथ हॉल के बीचों बीच। यस, और यहाँ पे खाने की खुशबू आ रही है, मतलब वो कभी छोले भटूरे कहीं से कुछ की खुशबू आ रही है। खुश हो रहे हैं, लग रहा है हम इंडिया में ही आ गए। पहली बार ही आया है वैसे साउथ वॉल एकदम मेन। हाँ, मेन पहले बार बार ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया। बिना म्यूजिकल्स उससे पहले नया भारत करके भी एक वो आई थी। अर्जुना से बड़ा अर्जुन डोसा। कहाँ से शुरू करूँ? शेजवान नूडल्स, और ये है कीचू के प्लेन नूडल्स, और हॉट चॉकलेट, फिल्टर कॉफी, चाय। तीन अलग लोग, तीनों अलग चीज। पापा इज गिविंग अ मसाज टू मम्मा नेक पे, और उसको ऐसा लग रहा है कि पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं। ना चिल की जो पापा इज हेल्पिंग मम्मा, मम्मा इज हैविंग पेन इन द नेक। ना नो पापा, जॉनी जॉनी, कैन वी गिव यू अ मसाज? ओके, आई विल गिव यू अ मसाज। या पापा, यू गिव Kichu massage. The only massage he likes. Kuchi, 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 kuchi. The tickly massage.